चलो भाई, आज आपकी जूम की भी क्लास है, तो जूम वाली क्लास होगी हमारे पास लाइव क्लास। उसमें मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा आपसे, और इसमें मतलब हम पढ़ेंगे आगे फर्दर। अब तक हम देख चुके हैं कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो वो किस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसके पाथ कैसे होते हैं। ये अब हम देखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर अगर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड हो, तो वो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करता है। ठीक है ना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो ये एक कंडक्टर है, एन एन इज अ वायर जिसमें करंट जो है आई फ्लो कर रहा है, इस तरह से एम से एन के लिए करंट फ्लो कर रहा है। अब ये कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, या पहले आपके लिए स्ट्रेट कंडक्टर देता हूं फिर इस पे आता हूं। सपोज दिस इज अ स्ट्रेट वायर एम एन इन विच करंट आई इज फ्लो, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और ये कंडक्टर एक ऐसे रीजन में प्रेजेंट है जहां एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट है। वो फील्ड भी मैं बना दे रहा हूं, तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट कर रही है इस तरह से। सी द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज बी, ये कंडक्टर फील्ड की डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है थीटा। फील्ड के साथ इस कंडक्टर का जो एंगल है वो थीटा है। दैट इज कंडक्टर की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आपको बताया था कि करंट की डायरेक्शन होती है, तो ये हमारे पास एंगल उसी के अकॉर्डिंगली मैंने मार्क कर दिया कि थीटा है। मान लो इस कंडक्टर की लेंथ एल है, अगर इस कंडक्टर का एक छोटा सा पोर्शन ले लूंगा, ये ए बी, तो इसे डीएल वेक्टर लिख सकता हूं, ए बी वेक्टर को करंट कैरिंग एलिमेंट के। अब देखो जो इस छोटे से पार्ट पे फोर्स लगेगी उस फोर्स की वैल्यू लिखता हूं मैं। हमें मालूम है फोर्स का फॉर्मूला चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो हम लिख रहे थे वो था एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। मान लो इसमें से चार्ज क्यू फ्लो करता है टी टाइम में, आई को मैं लिख सकता हूं क्यू अपॉन टी, चाहो तो डी क्यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो डी क्यू अपॉन डी टी लिख देता हूँ, डी क्यू अपॉन डी टी लिख दिया चार्ज को, करंट को। यहां से डी क्यू की वैल्यू आई डी टी हो जाती है। इस छोटे से पार्ट पर फोर्स ले रहा हूं, तो उसे फोर्स को डीएफ कह दिया मैंने, डिफरेंशियल एलिमेंट पे लगने वाली फोर्स का। इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो मान लो डी क्यू है, तो इस चार्ज की जगह मैंने डी क्यू लिख दिया। अब जो वेलोसिटी है जिससे फ्लो कर रहा है, उस वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं,
यहां से यहां तक आने का, ए से बी तक आने का टाइम मान ले डी टी है, तो डीएल लेंथ ट्रेवल हुई है, डिस्प्लेसमेंट इज डीएल वेक्टर, टाइम टेकन इज डी टी, तो दिस विल बी डीएल बाई डी टी। इसका मतलब को v को मैं लिख सकता हूँ dl by dt, तो dq लिखा मैंने, फिर मैंने लिखा dl by dt, ये किसकी जगह लिख दिया, velocity की जगह, cross magnetic field तो b given है, b लिख दिया, इस dt को यहाँ से shift कर दिया इसके नीचे, dq by dt वो i हो जाएगा, तो df की वैल्यू हो गई मेरे पास df equals to i डी एल क्रॉस बी, ठीक है, का ऐसी सारी फोर्सेस को सम कर ले तो टोटल फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स एफ एज अ वेक्टर इक्वल्स टू आई लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर लिखा, क्रॉस बी वेक्टर, F equals to I रह गया, dl वेक्टर का सपोज इंटीग्रेशन हमारे पास L वेक्टर आ गया, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब इसमें L क्या चीज है, ये L, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर जरूरी नहीं है कि हो, स्ट्रेट कंडक्टर है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रेट नहीं हुआ कंडक्टर तो ये जरूरी नहीं है कि L वेक्टर में L लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, अब मान लो सेम सिचुएशन में ले लूं कि कंडक्टर स्ट्रेट नहीं होता, एक ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं जिसमें हमारा यही कंडक्टर जो है वो स्ट्रेट नहीं है, मान लो ये कंडक्टर इस तरह से प्रेजेंट है, M, N और करंट I, M से N अभी भी फ्लो कर रहा है, फील्ड के लिए एक ही लाइन बना रहा हूं आप समझ लेना, फील्ड इसी डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म फील्ड है, फील्ड इस तरह से प्रेजेंट है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और भी लाइंस इस तरह से प्रेजेंट है, दिस होल कंडक्टर लाइज इनसाइड दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरह की आप ढेर सारी लाइंस बना सकते हो, या इसी में आप ऐसे कर्व समझ सकते हो कि ये कंडक्टर मेरे पास कर्व फॉर्मेट में इसी में प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया पहले की तरह, यहां से यहां तक, इसे कह दिया ए है, इसे कह दिया बी है, तो ए बी जो है मेरे पास एज अ वेक्टर वो ये वाला वेक्टर हो गया, यानी कि ये dl वेक्टर हो गया मेरे पास, और सपोज ये dl वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, तो का इस स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट पे लगने वाली फोर्स, तरीका तो हमारा सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस आया नहीं, df लिखा, इसमें फ्लो करने वाला चार्ज dq माना, dq लिखा, वेलोसिटी की जगह dl by dt लिखा, क्रॉस b लिखा हमने, ठीक है, ये चीज हमारे पास इस तरह से आ गई, इतने में अभी भी कोई डिफरेंस नहीं आया। अब आप देखो आप समेशन किसका कर रहे थे, ताकि हमें ये मालूम चल सके ये एल क्या चीज है, आप डीएल वेक्टर का समेशन कर रहे थे, आपने क्या किया, आप यहां से स्टार्ट करो, आपने सबसे पहले ये वेक्टर लिया, फिर आपने 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 ये वेक्टर लिया, आपने इन वेक्टर्स को ऐड करना शुरू किया, वेक्टर एडिशन कर रहे हो, अगर वेक्टर एडिशन करोगे दो पॉइंट्स के बीच में लाइन का, तो वो क्या देगा, वो डिस्प्लेसमेंट देगा, डीएल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट देगा, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, वो आपको ये वाली चीज देगा, ये जो वेक्टर बना यहां से यहां तक का mn वेक्टर, वो डीएल वेक्टर है, इसका मतलब है कंडक्टर के दोनों एंड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम द एंड फ्रॉम विच द करंट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द अदर एंड, जैसे यहां करंट M से N फ्लो कर रहा है, तो M से N की तरफ की डायरेक्शन लूंगा, अगर करंट उल्टा फ्लो कर रहा होता N से M, तो मैं N से M वाली डायरेक्शन को L वेक्टर की डायरेक्शन मानता, ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट L हो गई, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
अगर m से n करंट फ्लो कर रहा है तो mn की डायरेक्शन होगी mn वेक्टर की, और अगर n से m फ्लो कर रहा है तो nm वेक्टर की होगी। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स होगी। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप जो तरीके थे आपके पास डायरेक्शन निकालने के वो लगा ही सकते हो, नहीं तो प्रीवियस क्लास से ही आपको ये लगवा रहा हूँ एफ बी आई, प्रीवियस लेक्चर से ही आप लगा रहे हो प्रीवियस कॉन्सेप्ट से ही, तो एफ बी आई इससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, ये फोर्स किधर लगेगी। अब एफ की डायरेक्शन निकालना है, बी पता और मेरे को आई पता, आई एम से एन जा रहा था ना, तो आप ऐसे मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है आई आपके पास, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई, या एल क्रॉस लेना है आपको तो एल के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। तो अब देखो मैंने अज्यूम क्या कर रहा हूँ, मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग कि ये कर्व कंडक्टर है, मैं ऐसा अज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये जैसे स्ट्रेट कंडक्टर एम एन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए बी की डायरेक्शन किधर थी, इस तरह से डायरेक्टेड थी, ठीक है, एफ बी आई, और आई की डायरेक्शन ऐसे डायरेक्टेड है, तो इनको आप एडजस्ट करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता था कि कंडक्टर में आपके पास जो है ना ये चीज का ध्यान रखिएगा कि एल वेक्टर क्या चीज है। अब मान लो फील्ड ऐसे ना हो करके मैं फील्ड की डायरेक्शन बदल देता हूं, फील्ड इस तरह से प्रेजेंट, पूरा कंडक्टर इसी फील्ड में प्रेजेंट है हमारा यूनिफॉर्म फील्ड, दिस होल सिचुएशन लाइज। अब चाहे आप ये पार्ट लो, चाहे ये पार्ट लो, चाहे ये पार्ट लो, कोई भी पार्ट लो, इसका डिफरेंशियल एलिमेंट लो, वो डिफरेंशियल एलिमेंट बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट ले लिया तो बोर्ड के प्लेन में, और फील्ड कैसे ऐसे 90 डिग्री का एंगल होगा। आप ये वाला एलिमेंट लोगे तो भी ये इस तरह से हो गया, और फील्ड कैसे हो गई ऐसे अंदर जा रही है, इसके साथ 90 डिग्री बनाता हुआ हो गया, तो सभी के साथ 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है एल वेक्टर तो आपका यही रहा, क्रॉस बी कर रहे हो तो एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हो गया तो हम अकॉर्डिंगली जो है अपना लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, बी किधर हो गया इनवर्ड हो गया, एफ बी आई, आई किधर हो गया, आई जो इस तरह से फ्लो कर रहा था उसे एम से एन ऐसे मान लिया, ये हो गया तो फोर्स इधर चली गई, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, ये फोर्स इस तरह से एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर, इस पे इस तरह से फोर्स लग रही होगी, ठीक है, हर पोर्शन पे आपको फोर्स दिख रही है किस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे जरूर मार्क किया लेकिन आपको मालूम है लगने वाले पॉइंट्स ये हैं, तो ये इस तरह से फोर्स इसके ऊपर लगती हुई दिखाई देगी, क्लियर ये चीज। तो निकालने का तरीका ये हो गया हमारे पास। अगर अभी जैसे इसमें 90 डिग्री हो गया था तो मुझे लेंथ के लिए ये वाली लेंथ लेनी थी, MN के बीच में जो भी दिया था, मान लो मेरे को सेमी सर्कल दे दिया होता, मुझे क्या होता है एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर है ये, ए बी इसका सेंटर सी, इसकी रेडियस आर, इसमें फ्लोइंग करंट I, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इनवर्ड प्रेजेंट है ऑफ स्ट्रेंथ बी, उसे कहता बताइए इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड क्या और उसका डायरेक्शन क्या, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो F का मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, F इक्वल्स टू आई, आई गिवन है, एल की जगह क्या लिया जाता है, इन दोनों पॉइंट्स को एंड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ ली जाती है डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो ए बी वेक्टर हो गया, अभी मैं ए बी वेक्टर ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये एल की जगह लिख दिया, क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर लिख दिया मैंने क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लिखा है तो मुझे इसका भी मैग्नीट्यूड ही लिखना होगा, अभी डायरेक्शन तो लिखी नहीं है मैंने, तो एफ इक्वल्स टू आई को मैंने आई रहने दिया। अब जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो हम पहले का मैग्नीट्यूड लिखते थे, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2r हो गया, तो ए बी का मैग्नीट्यूड 2r लिख दिया मैंने, बी का मैग्नीट्यूड बी गिवन था तो बी हो गया। अब ए बी और बी के बीच में एंगल कितना है, बी इनवर्ड हो गया, ए बी इस तरह से प्रेजेंट है और बी ऐसे इनवर्ड प्रेजेंट है, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो वो साइन 90 आ गया, साइन 90 बन होता है तो ये हो गया, तो इसका मतलब 2IBR फोर्स हो गई। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन किधर लगेगी, तो एफ बी आई
बी इनवर्ट मैच कराया, करंट ए से बी फ्लो कर रहा था, ए से बी की डायरेक्शन दी, तो ऐसे अपवर्ड हो गई ये फोर्स, ठीक है ना। अगर मान लो मेरे को ऐसे दिया होता, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो मुझे मालूम है कि इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगी सेमी सर्कुलर कंडक्टर पे, दैट विल बी वाई डायरेक्शन। ये तरीका हो गया हमारे पास निकालने का इसे। अब देखो सारी टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर है। अगर सपोज हमारे पास एक क्लोज लूप हो जाए, जैसे ये पूरा सर्कल हो जाता, ट्रायंगल हो जाता, स्क्वायर हो जाता, रेक्टेंगल हो जाता, पैरेललोग्राम हो जाता, पेंटागन हो जाता, मतलब वायर के दोनों पहला एंड और आखिरी एंड दोनों हमने ज्वाइन कर दिए होते, तो ऐसे केस में दोनों मतलब एक ही पोजीशन पे आ जाते, टचिंग होते, तब क्या होता, ठीक है, तब देखो क्या हो जाता कि आपका जो एल वेक्टर है वही जीरो हो जाता, तो फोर्स भी जीरो हो जाती, यानी कि क्लोज लूप के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, चाहे वो कैसा भी हो। क्लोज लूप ट्राइंगल हो गया तो भी नहीं लगेगी, रेक्टेंगल हो गया तो भी नहीं लगेगी, स्क्वायर हो गया तो भी नहीं लगेगी, पेंटागन, हेक्सागन, पॉलीगन कोई भी हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, कोई भी आर्बिटरी शेप हो, ऐसा कंडक्टर अगर क्लोज हुआ तो उसके ऊपर किसी तरह की कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। मान लीजिए सर्कुलर कंडक्टर है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इनवर्ट डायरेक्टेड है, यूनिफॉर्म है, ऑफ स्ट्रेंथ बी, द एंड इज डायरेक्टेड इनवर्ट, तो इस लूप पे कितनी फोर्स लगेगी, जीरो, कोई फोर्स नहीं लगेगी इसके ऊपर। देखो अब तक आप जानते हो कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो उसका एक फेस नॉर्थ पोल की तरह, दूसरा साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता था वैसे आप कह सकते हो मैग्नेटिक डायपोल, बस इलेक्ट्रिक डायपोल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के पोल्स होते थे, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, वहाँ पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकल करके नेगेटिव में टर्मिनेट करती थी, यहाँ नॉर्थ से निकल करके साउथ वाले में टर्मिनेट करेगी आउटसाइड द मैग्नेट, तो आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट होगी साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज हो सकती है, क्लोज लूप्स होता है। तो अब देखो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैं देखूं कि इसके सेंटर पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये मैंने छोटा सा पोर्शन लिया, इसमें तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो राइट हैंड थंब रूल के लिए पकड़ा तो कफ अंदर की तरफ हो गई फील्ड, तो इनवर्ड है फील्ड। अगर ये एलिमेंट लिया होता मैंने, ये छोटा सा एलिमेंट, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता, अब ऐसे कर रहा है तो मैं ऐसे लेता तो यहाँ से फिर अंदर जाता, ये रीजन के नीचे है, ठीक है ना, तो फील्ड इनवर्ड ही आ रही है। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, इसका मतलब फील्ड इस तरह से अंदर जा रही है, तो बाहर से सोचो, बाहर से फील्ड आई और कहाँ पे टर्मिनेट हुई, ये आपकी तरफ वाले फेस पे, इसके दो फेस समझ लो, एक ये है, एक ये है, तो फील्ड लाइन जो है वो इसमें एंटर कर रही है, ठीक है, फिर यहाँ से ट्रेवल करते हुए पीछे जाएगी, यहाँ से निकलेगी, ऐसे घूमते हुए इसमें आएगी, ऐसे घूमते हुए इसमें आएगी, तो इसमें टर्मिनेट हो रही है, तो ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल, तो आपकी तरफ जो पोल है वो साउथ पोल हो गया, क्योंकि फील्ड लाइन्स जो है इसमें टर्मिनेट कर रही हैं। यही करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, ऐसे कर दूं, तो यही जो आपकी तरफ वाला पोल है, फेस है, वो साउथ नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा, फील्ड लाइन्स बाहर निकलती हुई हो जाएंगी अंदर से, ठीक है ना। तो आप याद करो जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता था, जीरो। और अभी आपने देखा, मैं कह रहा हूँ कि क्लोज लूप को आप रखोगे किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग क्लोज लूप को, तो वो कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जीरो। तो एनालोगस हो गया, क्योंकि ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया, मैग्नेटिक डायपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इस पर भी फोर्स नहीं लगेगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जब इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो उस पर नहीं लगती, पर वहाँ टॉर्क होता था, तो इसका मतलब यहां भी टॉर्क होगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है। अभी हम उस टॉर्क का एक्सप्रेशन भी देखेंगे। तो अभी बेसिकली हमें ये क्लियर होगा कि क्लोज लूप होगा तो उस पे फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब टॉर्क लगेगा तो कितना लगेगा, उस टॉर्क की बात करते हैं। तो एक लूप ले लें जिसके लिए हम आसानी से टॉर्क का कैलकुलेशन कर सकें। थोड़ा सा आगे एक बार टॉर्क की कैलकुलेशन करने से पहले मैं फोर्स का फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ,
दो बड़ी बेसिक बातें हैं, लेकिन मैंने पहले तो सोचा स्किप कर लूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ एक बार बोल ही दूँ तो ज़्यादा अच्छा। एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स को हम इस तरह से देते हैं, ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन साइड अ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एल का मीनिंग आपको क्लियर है, कंडक्टर के दोनों एंड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ डायरेक्टेड फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच द करंट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द अदर एंड टू विच द करंट इज फ्लोइंग। अगर इसी का मैग्नीट्यूड लिखें तो इस मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं आई बी एल साइन थीटा, जहां पे थीटा एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। अब अगर सपोज फोर्स जीरो है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, तो कब कब जीरो हो सकती है मैग्नेटिक फोर्स, हम बात करते हैं। एक कंडीशन है कि लूप तो है या हमारे पास कंडक्टर तो है पर उसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा, आई जीरो है तो जीरो हो सकती है फोर्स। करंट कैरी कर रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, बी जीरो है तो भी जीरो। एल जीरो हो जाएगी, आप समझ चुके हो कि अगर कंडक्टर के दो एंड्स हमने आपस में ही एक ही पोजिशन पर रखे हुए हैं दोनों एंड्स, एक इंसुलेटेड वायर है, ठीक है ना, उसको मैंने घुमा घुमा करके पहला और आखिरी एंड एक ही जगह पे रख दिया, इधर से करंट बैटरी कनेक्ट कर दी, इसमें इधर इसमें इधर, तो करंट घूमते 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 यहाँ पे आ गया। तो ऐसे केस में क्या हुआ, दोनों एंड जुड़े हुए हैं, दोनों एंड एक ही पोजीशन पे हैं, तो एल जीरो हो गया, ऐसे केस में फोर्स जीरो। और फिर आपको दिख रहा है अगर साइन थीटा जीरो हो गया तो भी जीरो होगा। अगर आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और वो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की डायरेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है एल वेक्टर की डायरेक्शन हमें करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में लेनी होती है, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए करंट की ही डायरेक्शन हो जाती है ये। तो अगर करंट की डायरेक्शन जो है फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल है, यानी कि जीरो डिग्री का एंगल बना रही है या 180 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दोनों केसेस में क्या होगा रिजल्ट, जीरो हो जाएगा फोर्स का, ठीक है ना, क्योंकि साइन जीरो भी जीरो और साइन 180 भी जीरो, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं, हम टॉर्क की बात करते हैं। मान लो ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसके ऊपर कॉइलिंग की गई है, इस तरह से लूप प्रेजेंट है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर लूप, में इधर आ जाए, ये रेक्टेंगुलर लूप है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट है इस तरफ, दिस इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, ये लूप हो गया। आप एक काम कीजिए, लूप बोर्ड को ही ले लीजिए, मुझे होल्ड नहीं करना पड़ेगा, जब बोर्ड पे लूप बना देता हूँ, बोर्ड में एक लूप में बना देता हूं, रेक्टेंगुलर बना रहा हूं समझने के लिए, ताकि हम चीजों को आसानी से समझ सके। पी क्यू आर S, ये लेंथ L, ये लेंथ B, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, इस तरह से ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, बाकी जगह एरो मार्क कर रहा हूं, तो ये करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। और ये प्रेजेंट एक ऐसे रीजन में जहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट कर रही है, वो भी बना लेते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है, डायरेक्शन मैंने मार्क कर दिया। अब उससे पूछा गया कि इस लूप पे फोर्स कितनी है, तो आंसर इज ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि अगर मान लूं कि पी से करंट चलता है तो पी पे ही आ जाता है, इसके एंड्स का कुछ पता नहीं है, क्लोज लूप हो गया। लेकिन मैंने कहा मैं ऐसे तो नहीं निकालूंगा भाई, मैं सब आर्म के ऊपर फोर्स निकालूंगा, तो फोर्स ऑन पी क्यू कितनी हुई, फोर्स ऑन पी क्यू आर, ये फॉर्म देखें, तो देखा बी और पी क्यू
के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ये फोर्स 0 हो गई, ठीक है? क्यों हो गई? क्योंकि थीटा 0 आ गया। का आरएस पे फोर्स निकालता हूं, ये भी 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? किसे 180 डिग्री का एंगल हो गया, ये थीटा आपका 180 डिग्री हो गया। अब मैंने कहा क्यू आर पे फोर्स निकालता हूं, फोर्स ऑन क्यू आर, ये x एक्सिस मान लेना, ये y एक्सिस मान लेना, डायरेक्शन लिखना थोड़ा आसान होता है फिर तो। का करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फील ऐसे डायरेक्टेड है, F B I, B मैच कराया, I मैच कराया, फोर्स आउटवर्ड आ गई, आउटवर्ड का मतलब J कैप में आ गई, ये इस तरह से हो गया Z आउटवर्ड हमारे पास, ठीक है ना, Z इज आउटवर्ड। तो फोर्स किस में आ गई, आप देख रहे हो K कैप y डायरेक्शन में। फिर से एक बार कर देते हैं, F B I, B किधर था, इधर था, I किधर था, नीचे था, थंब किधर चला गया, फोर्स की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, दैट इज के कैप। तो अब आई आई हो गया, बी बी हो गया, ये वाला एल स्मॉल बी हो गया, आई बी बी और साइन थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, फील्ड और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, तो 1 हो गया। ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन अभी हमने कंक्लूड कर ली थी के कैप है, तो यह आ गई फोर्स। तब अच्छा एस पी पे भी फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन द पार्ट एस पी, तो अब करंट ऐसे फ्लो करने लगा, ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। तो देखते हैं एफ बी आई, बी सेम डायरेक्शन में, आई अपवर्ड, थम चला गया अंदर की तरफ डायरेक्ट, इनवर्ड हो गया, इनवर्ट का मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन में हो गया। अगेन फॉर्मूले में आई आई है, बी बी है, स्मॉल बी है, लेकिन ये डायरेक्शन माइनस के कैप हो। अब देखो आप नेट फोर्स अगर निकालते हो तो इन सबको ऐड करोगे लूप पे फोर्स निकालने के लिए, उसके हिसाब पे फोर्स, हिसाब पे फोर्स, हिसाब पे फोर्स, हिसाब पे फोर्स, चारों आर्म पे लगने वाली फोर्सेस को आप ऐड करोगे तो वो जीरो आ जाएगी, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। लेकिन अब देखो जो दो नॉन जीरो फोर्सेस आई हैं उनको जरा ध्यान से देखो, एक फोर्स इधर आई थी, ठीक है ना, और एक फोर्स इनवर्ट गई थी। इस लूप को अब थोड़ा सा बोर्ड के प्लेन के बाहर रख के देखते हैं, एक फोर्स ऐसे लग रही है, कैसे लग रही है, एक फोर्स इस तरफ आउटवर्ड और एक फोर्स इस तरफ इनवर्ट लग रही है आपको, ठीक है ना। तो अब इस वाले आर्म पे आउटवर्ड थी और इस पे इनवर्ट थी, ऐसे लगाऊं तो ये इसको ऐसे टॉर्च जनरेट हो गया, रोटेट करना चाहता है। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस है, तो इससे बन गया कपल, कपल हो गया तो उस कपल का टॉर्क होता है, कपल का टॉर्क आपको मालूम है ब्रह्मांड के हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है, और वो कितना होता है, दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो जिनसे कपल बना है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं, और इन दोनों फोर्सेस की लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन ले लो, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर सेपरेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो मतलब टॉर्क तो ये एक्सपीरियंस कर रहा है, इस केस में जो दो फोर्सेस हैं वो कैसे हैं, एक फोर्स बोर्ड के प्लेन के अंदर जाती हुई है इधर से ऐसे, और दूसरी फोर्स कैसे बाहर निकलती हुई है, ये फोर्सेस है, तो इनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया, यही वाली लेंथ एल हो गई, तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अब हम इसी टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहेंगे, ठीक है ना, इसी टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहेंगे। चलिए देखते हैं, ये अब रेक्टेंगुलर लूप हो गया हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर लूप कैसा है ये समझ लीजिए, जैसे ये है तो ये रेक्टेंगुलर लूप कुछ इस तरह से प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है ना, इस पोजीशन में है, एकदम बोर्ड के पैरेलल नहीं है, बोर्ड के साथ सर्टेन एंगल पे प्रेजेंट है। इसका एक आर्म ये हो गया, एक आर्म ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, करंट फ्लो कर रहा है, आप देख रहे हैं इस तरह से करंट का फ्लो ये है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस का करंट लिया मैंने इसमें। ये जो एन वेक्टर मार्ग है वो इस आर्म का नॉर्मल है, इस आर्म का नॉर्मल ऐसे हो गया इसके परपेंडिकुलर, जैसे इधर बनाऊंगा तो इस तरह से आ जाएगा, वैसे इसके ऑपोजिट वाला इधर का नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल हो गया आपके पास इसके इस तरह से, और फील्ड कैसे प्रेजेंट है देखते हैं इसको, तो नॉर्मल को मैं ऐसे ही होल्ड करके रखता हूं, फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से, इस फील्ड बोर्ड के प्लेन में है, तो फील्ड इस तरह से प्रेजेंट है, तो ये एंगल थीटा है नॉर्मल और इसके बीच का, ठीक है।
इस आर्म की लेंथ यानी कि पी क्यू और एस आर आर्म की लेंथ इक्वल है रेक्टेंगल है तो वो एल ए लेंथ, और इसी तरह पी एस और क्यू आर की लेंथ इक्वल है एंड दैट इज बी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से फोर्सेस लग रही हैं। नेट फोर्स तो जीरो ही होगी, टोटल फोर्सेस के ऊपर क्लोज लूप हो गया है। तो अब देखते हैं कि अलग अलग आर्म्स पे किस तरह से फोर्स लग रही है। सबसे पहले मैंने आर्म लिया पी क्यू, तो पी क्यू के ऊपर लगने वाली फोर्स देखते हैं। तो पी क्यू पे करंट का फ्लो ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, फील्ड जो है वो इस तरफ डायरेक्टेड हो गई, फील्ड ऐसे करंट का फ्लो इस तरह से, तो क्या हुआ, फोर्स आ गई आउटवर्ड, ये फोर्स आउटवर्ड फोर्स हो गई, और ये फोर्स जो है वो इनवर्ड फोर्स हो गई। इसी तरह से इसमें क्या हो गया, बी इधर, आई नीचे की तरफ कर देंगे हम ऐसे, तो ये क्या हो गया, इनवर्ड चला गया था हम, तो ये इनवर्ड फोर्स हो गई। मैंने उल्टे मार्क कर दिए शायद डायरेक्शन, मैं ठीक कर देता हूं यहां पर। ये वाली फोर्स आउटवर्ड आई है बोर्ड के प्लेन के बाहर F1 वेक्टर, और ये वाली फोर्स गई है बोर्ड के प्लेन के अंदर। ये फोर्स इस तरह से इनवर्ड हो गई और ये फोर्स इस तरह से आउटवर्ड हो गई। ये फोर्सेस हुई, इनके लाइंस के बीच का सेपरेशन इस तरह से मिल जाएगा, ये लेंथ या ये डॉटेड से मैंने इसका सेपरेशन मार्क किया हुआ है। तो ये इस तरह से इसमें फोर्सेस लग गई दो आर्म्स में। अब ये दोनों फोर्सेस है तो अपोजिट डायरेक्शन में, अब देख रहे हैं कि ये फोर्स आउटवर्ड आ रही है दिस वन F1, और ये फोर्स इनवर्ड जा रही है, है तो ये फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं है। भले ही इनकी फोर्सेस का सम जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से, लेकिन क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो इनका टॉर्क जीरो नहीं होगा, ये कपल बन गया है। अब इन दो आर्म्स के लिए देखते हैं, इस आर्म में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसके छोटे छोटे पोर्शन लूंगा और फोर्स देखूंगा तो हर पार्ट पे फोर्स इस तरह से छोटी छोटी इस तरह से फोर्स दिखाई देगी, और बिल्कुल ऐसे ही इस पे इस तरह से फोर्स दिखाई देगी। इस पार्ट के जस्ट ऑपोजिट वाले पार्ट पे, इसमें इधर ये फोर्सेस जो है इक्वल भी है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में ऑपोजिट भी, और एक ही स्ट्रेट लाइन में भी है। तो इस पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो पार्ट था उसमें कैंसिल, इस पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो था कैंसिल, ऐसे इसमें फोर्स भी कैंसिल हो गई और टॉर्क भी कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल में टोटल फोर्स तो जीरो हो गई, एक F1 लगी थी आई एल क्रॉस बी आउटवर्ड, एक F2 लगी थी आई एल क्रॉस बी इनवर्ड, एक F3 लगी थी आई बी बी डाउनवर्ड, एक ये अपवर्ड। ये दोनों फोर्सेस एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं, जबकि ये दो फोर्सेस जो हैं दे आर नॉट इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो रिजल्ट क्या हुआ, अगर टोटल फोर्स में ऐड करूंगा तो ये फोर्स कैंसिल कर देगी इक्वल एंड अपोजिट, ये फोर्स कैंसिल कर देगी इक्वल एंड अपोजिट। तो F1 plus F2 plus F3 plus F4 में F1 plus F2 को एक ब्रैकेट में कर दिया, प्लस दूसरे ब्रैकेट में F3 plus F4 लिख दिया, F1 plus F2 का समेशन जीरो, F3 plus F4 का समेशन जीरो वेक्टर, और इन दोनों जीरो वेक्टर का समेशन भी जीरो वेक्टर, यानी कि नेट फोर्स तो जीरो हो गए। पर जब टॉर्क निकालने का समय आया तो इन दो का टॉर्क तो जीरो हो गया, लेकिन इन दो का टॉर्क जीरो नहीं हुआ, यह बन गया कपल। तो इस कपल का टॉर्क निकालते हैं। अब टॉर्क क्या होता था, किसी भी अगर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं तो उनमें से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, चाहे इसका मैग्नीट्यूड ले लो F1 का, चाहे F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों इक्वल ही हैं, IL भी मैग्नीट्यूड हो गया। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन परपेंडिकुलर इनकी लाइंस के बीच का, वो ये हो गया, ऐसे थी ना ये फोर्सेस, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड, तो इनके बीच का सेपरेशन इस तरह से निकलेगा, ये डॉटेड लाइन से हो गया। अब देखें ये वाला सेपरेशन कितना आ गया, सेपरेशन को निकालते हैं। ये वाले आर्म की लेंथ बी है, इस आर्म की लेंथ बी है, ये आर्म आपका इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है ना, और नॉर्मल इस तरह से प्रेजेंट है, और फील्ड का जो वेक्टर बना हुआ है वो इस तरह से प्रेजेंट है, ये एंगल थीटा है। तो इसके लिए तो ये वाली चीज परपेंडिकुलर हो गई नॉर्मल, PQ जो है वो फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और N वेक्टर के लिए ये PS आर्म परपेंडिकुलर है उसी का, तो नॉर्मल है ये, तो इसका मतलब है PS और PQ के बीच का एंगल भी थीटा होगा, जो दो लाइंस के बीच का एंगल होता है वही उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होता है। तो ये एंगल मैंने थीटा मार्क कर लिया,
नो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इस पॉइंट को भी मैं कुछ नाम दे देता हूं, सपोज एन, तो पी एस एन एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। उस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें मालूम है बी है, और ये एंगल थीटा है उसके ऑपोजिट वाला यानी कि परपेंडिकुलर है, तो ये बी साइन थीटा हो गई लेंथ हमारे पास। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा दी इस ट्राइंगल में, राइट एंगल में, तो हमने लिखा फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन द लाइंस ऑफ द फोर्सेस, तो ये टॉर्क आया हमारे पास। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखा, एल और बी मैंने साथ साथ कर दी है, एल इंटू बी क्या हो गया, इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया। तो अब टॉर्क आ गया आई एल बी कैपिटल बी साइन थीटा, एल बी को मैंने ए लिख दिया, दैट इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप, तो ये हो गया आई ए बी साइन थीटा। अब मैंने कहा मान लो इसी लूप में एन टर्न्स होते हैं, एक वायर गई फिर दूसरी आई तीसरी आई, ऐसे एन टर्न्स हो गए होते, तो हर टर्न पे ऐसे ही टॉर्क बनता आपके पास, तो एन टाइम्स हो जाता। तो ऐसे केस में अगर एन टर्न्स हैं तब नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही एन टॉर्क्स बन गए आपके पास, एन आई ए बी साइन थीटा हो गया टॉर्क। अब देखो आपको मालूम है करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक मैग्नेटिक डायपोल होता है, तो आपने बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी वेक्टर। जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स जीरो होती थी। हमने मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उस पर भी फोर्स जीरो है, उस पर भी टॉर्क लग रहा होता था, इस पर भी टॉर्क लग रहा है। इलेक्ट्रिकल डायपोल पे भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क था, मैग्नेटिक डायपोल पे भी टॉर्क है। अब वो टॉर्क हमने ये निकाला हुआ है, अगर हम इलेक्ट्रिकल वाले टॉर्क को याद करें, यहां पे लिख रहा हूं साइड में इलेक्ट्रिक टॉर्क, तो इसे हम लिखते थे पीई साइन थीटा, जहां पे पी क्या होता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, और थीटा पी और ई के बीच का एंगल। इसको मैंने इससे कंपेयर किया, ई का एनालोगस टर्म हो गया बी, साइन थीटा अपनी जगह पे प्रेजेंट है, साइन थीटा अपनी जगह पे एज इट इज प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पी जो है उसका रोल ये वाला टर्म प्ले कर रहा है, तो ये चीज जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गई। दिस एन आई ए इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसे मैंने कैपिटल एम से डिनोट कर दिया, कई बार बुक में इसे पी लिख करके उसके नीचे एम भी लिखा होता है, दैट इज पी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैंने अभी फिलहाल इसे कैपिटल एम से डिनोट कर दिया, तो कैपिटल एम बी साइन थीटा लिख दिया, बता दिया यहां पे एम क्या चीज है, एम इक्वल्स टू एन आई ए है, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, लिख भी दिया। अब इस टॉर्क को जब हम इलेक्ट्रिकल वाले टॉर्क को लिखते थे एनालोगस फॉर्म देख रहे हैं इसका, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते थे पी क्रॉस ई। बिल्कुल सेम तरीके से हम इस टॉर्क को भी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, वैसे इस टॉर्क को नेट टॉर्क नाम दिया हुआ है हमने, तो ये क्या हो जाएगा, पी का एनालोगस टर्म एम आ गया, ये हो जाएगा एम क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो जो टॉर्क है, यहां से देखते हैं ये टॉर्क किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा टॉर्क होगा, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर देते हो कीपिंग द अदर पैरामीटर्स कॉन्स्टेंट तो टॉर्क भी डबल हो जाएगा, आप नंबर ऑफ टर्न्स फाइव टाइम्स कर देते हो तो टॉर्क भी फाइव टाइम्स हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि बाकी पैरामीटर्स कॉन्स्टेंट रहे। दिस टॉर्क इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, आप करंट डबल कर देते हो, पहले 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा था आपने 10 एम्पियर का कर दिया टॉर्क डबल हो जाएगा, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था आपने 20 एम्पियर का कर दिया 10 टाइम्स कर दिया टॉर्क भी 10 टाइम्स हो जाएगा। फिर डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ द लूप, अब लूप के एरिया पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे नहीं डिपेंड कर रहा है, अब वो लूप सर्कल के फॉर्म में है कि वो रेक्टेंगल के फॉर्म में है कि वो स्क्वायर के फॉर्म में है कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, वो क्लोज लूप है उसका एरिया कितना, उस एरिया के ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है ना, शेप पे नहीं डिपेंड कर रहा, एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये आ गया स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, और इसके बाद हमारे को मालूम है जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती थी नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ डायरेक्टेड, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के एनालोगस टर्म में सोचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोल के लिए एनालोगस हो गया साउथ पोल, और मैग्नेटिक पोल के लिए हो गया एनालोगस हमारे पास नॉर्थ पोल, तो इसका मतलब है साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, इतने पैरामीटर्स के ऊपर ये टॉर्क डिपेंड करता है, तो ये हमारे पास टॉर्क निकालने का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, दिस इज बेसिकली नाउ द टॉर्क, और हमें समझ में आ गया ये टॉर्क किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है।
देखो अगर हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, अब इस वायर को हम मोड़ करके अलग अलग शेप्स दे सकते हैं, इससे चाहे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दें, इससे चाहे तो रेक्टेंगल बना दें, इससे चाहे तो स्क्वायर बना दें, इससे चाहे तो सर्कल बना दें, एंड सो ऑन हम पेंटागन बना दें रेगुलर, ऐसे अलग अलग बना सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ साइड्स बड़े करते जाएंगे तो एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, टोटल पेरीमीटर तो कांस्टेंट है ठीक है ना। तो देखते हैं नंबर ऑफ साइड्स, रेगुलर पॉलीगन की बात कर लेते हैं एक बार। सपोज हम सबसे एक सिंपल एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर साइड की लेंथ मान लेते हैं ए है, तो 3a = लेंथ ऑफ द वायर हो गया हमारे पास, इसका मतलब है a = l/3 हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया वो होता है √3/4 * साइड का स्क्वायर, साइड ये था तो l²/9 हुआ हमारे पास, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दें तो ये l²/4√3 हो गया। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आया हमारे पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए l²/4√3, फोर रूट थ्री नहीं, कितना है 12√3, √3 = 12√3 आया, 12√3 ठीक है ना। 1.7, अगर 1.6 होती इसकी वैल्यू तो नीचे 18 आ रहा होता, ये 1.732 है, तो मतलब 18 से बड़ा है डिनोमिनेटर हमारे पास। अच्छा आप सोचो अगर स्क्वायर दिया होता तो स्क्वायर के लिए क्या होता, फिगर में लिख रहा हूँ मैं, अब स्क्वायर के लिए 4a = l हो जाता क्योंकि वायर की लेंथ तो वही है, तो a कितना हो जाता l/4 हो जाता, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाता a² l/16, मतलब आप देख रहे हो एरिया पहले से बड़ा हो गया क्योंकि ये टर्म आपका डिनोमिनेटर 18 से भी बड़ा था, न्यूमरेटर सेम है, आपने नंबर ऑफ साइड बढ़ाए तो क्या हुआ एरिया बढ़ गया। तो आप रेगुलर पॉलीगन में जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाओगे तो उसकी पेरी के अंदर जो एनक्लोज्ड एरिया है, जो सरफेस उसने एनक्लोज कर रखा अपनी बाउंड्रीज में, उस बाउंड्री के विदिन जो एरिया एनक्लोज है वो इंक्रीज करता जाता है। और सर्कल जो है ना वो भी एक तरह का आप मान लो इनफाइनाइट साइड का एन साइडेड पॉलीगन है जिसमें एन जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इनफाइनाइट साइड्स का पॉलीगन है, यानी कि अगर आप सारे कई क्लोज फिगर्स लेते हो, कई रेगुलर पॉलीगन्स लेते हो, आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, आपने स्क्वायर ले लिया, आपने पेंटागन ले लिया, आपने हेक्सागन ले लिया ठीक है ना, ऐसे करके नैनोगन ले लिया और एक सर्कल ले लिया, तो सबसे ज्यादा एरिया किसने बाउंड किया, इन सारे फिगर्स का पेरीमीटर सेम है, सर्कल ने ठीक है ना। फॉर अ गिवन पेरीमीटर सर्कल बाउंड्स द लार्जेस्ट एरिया, तो इसका मतलब है अगर सर्कुलर फॉर्म में आप कॉइल कर रखोगे तो वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी ठीक। अब देखो आपके, चलो होमवर्क तो मैं आपको पोस्ट करूंगा, अभी मैं टॉर्क पे एक बार इतने पे रोक रहा हूँ, फिर हम इस टॉर्क की एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम इस टॉर्क के ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चंस लगाओगे जो मैं होमवर्क पोस्ट करूंगा ठीक है ना, ताकि हमारे को आगे की चीज़ों में एप्लीकेशन समझने में आसानी रहे।